नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे या ऐसे ही? हम सबसे पहले तो हम सवाल लोग करते हैं, आज की लगभग शुभकामनाएं। थैंक यू। चाहता हूँ कि आप पूरी टीम से हमें इंट्रोड्यूस कराएं, सबसे हमें रूबरू कराएं और बताएं जरा आज के लगभग के बारे में। जी, मैं सबसे पहले रूबरू कराता हूँ, ये हमारे वहाँ बैठे हुए हैं लंबे मूछ वाले पदम सिंह जी हैं। ये बहुत ही अच्छे अभिनेता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म में को प्रोड्यूसर हैं। रजनीश मिश्रा जी हमारे परम मित्र हैं और ये इस फिल्म के निर्देशक हैं। इनकी शुरुआत मेहंदी लगा के रखना से हुई थी, उसमें मैं भी था, तो इनके बारे में क्या कहना। ये हमारे वन एंड ओनली द ग्रेट विलन संजय पांडे जी हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। ये कल्लू जी हैं, ये हमारे भोजपुरी के भविष्य हैं ये, और मैं पास्ट भी था, वर्तमान भी हूँ और भविष्य भी रहूँगा। ये प्रदीप शर्मा जी हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं, बाबा मोशन पिक्चर्स जो है उसके निर्माता हैं, और निर्मात्री हमारी ये है, इनकी धर्मपत्नी है और सह निर्मात्री कह लीजिए या इनकी सर्वांगिनी कह लीजिए, ओम सर्वांगिनी मैंने बोल दिया, शब्दों का मतलब समझो। ये अनीता रावत जी हैं, बहुत ही अद्भुत अदाकारा हैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, इनका बहुत अच्छा योगदान, अभी हर फिल्म उधर फिल्म बढ़ रहा है और बहुत अच्छी डांसर रही हैं। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार किया है और यही हमारा परिचय है। हमारे जो इस फिल्म के विलन है देव सिंह जी, वो शायद नहीं है, वो चेयर की कमी थी इसलिए वो उधर है। देव सिंह जी जो हमारी इंडस्ट्री के आज के डेट के सबसे होनहार विलन होते चले जा रहे हैं, यंग में, ओल्ड में संजय पांडे जी हैं। नहीं, मैंने बोला ना, मैं पास्ट भी था, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी रहूँगा। एक सुबोध सेठ जी हैं, वो भी इस फिल्म में नेगेटिव रोल किए हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। एक अरुण काका जी हैं, ये सब पर्दे के बाहर हैं, अभी उधर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे लोगों की मौजूदगी है। हमारी जो हीरोइन है सोनालिका प्रसाद जी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, उनका फ्लाइट शायद मिस कर गया है, कुछ तो हुआ है, और बाकी यही है हम लोग फिलहाल। क्या बाबा, मैं तो खुद ही यहाँ हूँ, किडनैप हुआ हूँ जी। पूछिए आनंद बाबा, सबसे पहले तो आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। राज तिलक के बारे में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहली बार बाबा मोशन पिक्चर से जुड़ा मैं, इसके प्रोड्यूसर राज तिलक के प्रदीप सर हैं अनिता में, और मेरी बहुत चाहत थी, जब भी मैं फिल्म देखता था, देखा मैंने मेहंदी लगा के रखना, तो सबका होता है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ, इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ। तो एक दिन ऐसे ही सेट हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने बाबा से बोला कि मेरा भी इच्छा है कि मैं रजनीश मिश्रा जी के साथ काम करूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा का कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, और रजनीश सर का कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, जब पहली बार सुनाया तो ही मैंने बोला कि कुछ हो ना चाहे ना हो, कोई भी फिल्म बने ना बने, लेकिन राज तिलक जरूर बनेगी। और रही बात राज तिलक किसकी हो रही, तो इसके लिए आप लोगों को नज़दीकी सिनेमाघर में जाना, 12 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और आप लोग देखें कि राज तिलक। आप राज तिलक मदद कर रहे हैं या तो बड़े भाई का आदेश कैसे बता सकता हूँ, तो मैं विलेन ही हूँ इस फिल्म में, और बहुत जैसे कहा जाए रजनीश जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, बीच में डमरू में नहीं था बस मैं, बाकी फिल्म में लगातार इन्होंने की उसमें मैं रहा हूँ, प्रदीप जी के साथ पहली बार काम किया इनके प्रोडक्शन में। तो एक मुझे लगता है कि खास बात जो मैं अपने डायरेक्टर के बारे में कहूँ कि बहुत अच्छे अभिनेता है, निर्देशक जब खुद अभिनेता होता है तो अभिनेता की समस्या को समझता है और वो बारीकियों को जानता है, तो इनकी फिल्मों में मैं इन्हें ही फॉलो करता हूँ और बाकी कुछ नहीं। जी जी, आप ये पहले फिल्म कभी जाना नहीं, लेकिन राज तिलक एक ऐसी फिल्म है, जो फिल्म है एक कहानी है, उसके हिसाब से किरदार है,
अमूमन फिल्में होती है, एक हीरो होता है उसके हिसाब से फिल्म होती है। ये एक सिनेमा है जिसके हिसाब से हीरो का भी चयन है, विलन का भी चयन है, चरित्र अभिनेता का भी चयन है, चरित्र अभिनेत्री का भी चयन है। सारे जो चयन हुए हैं सिनेमा की कहानी के हिसाब से हुए हैं। और रजनीश जी की खासियत रही है कि ये सब्जेक्ट प्रधान फिल्में ही बनाया इन्होंने अभी तक, ये उनकी चौथी फिल्म है। और इसके पहले भी तीन फिल्म जो बनी है इनकी, मेरी लगा के रखना से लेकर डमरू तक। डमरू आज नेशनल अवार्ड में जा रही है, बाबा मोशन पिक्चर की ही वो भी फिल्म है डमरू। तो भोजपुरी के लिए बड़े सम्मान की बात है कि इस बैनर के तले, रजनीश मिश्रा के निर्देशन के तले ये फिल्म नेशनल अवार्ड में गई है। सिनेमा राजतिलक एक, मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितनी फिल्में की हैं सब में अभिनय प्रधान सर्वोपरि फिल्म यही है, जिसमें हर एक्टरों ने इतनी शिद्दत से काम किया है और उस पर कैरेक्टर ऐसे सटीक जा कर के चिपक गया है कि अगर दो मिनट के लिए भी किसी की उसमें उपस्थिति है वो भी अपना 100% दिया है और वो सिनेमा में दिख जाता है। हिंदी इंडस्ट्री में एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें दो मिनट का किरदार कोई आता था तो वो याद रहता था। ये फिल्म में ऐसी ही एक पटकथा की गई है जिसमें हर किरदार आपको याद रहेंगे, जो दर्शक देखेंगे हर किरदार अपना प्रभाव छोड़ के गया है। इसमें कोई मेन नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर लोग अपने अपने किरदार को भली भांति निभाए हैं। और हीरो कल्लू है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरा बिलीव है, कल्लू के साथ मैं लगातार अभी कई फिल्में कर रहा हूँ और इसमें वो हर संभावनाएं हैं जो जाने अनजाने लोग अभी तक मिस कर रहे थे, हमारे कलाकार भी। संपूर्ण तो कोई नहीं होता है हमारे दुनिया में, इस जीवन में हम सब कहीं ना कहीं से अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं, गलतियां हम सब करते हैं, नहीं तो हम इंसान नहीं रहते हैं। कल्लू की भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, इसको धीरे धीरे दूर करेंगे, लेकिन इनमें बहुत संभावनाएँ हैं जो इनकी उम्र के हिसाब से, इनके कद के हिसाब से, इनके अभिनय शैली के हिसाब से, इनकी गायकी के हिसाब से, इनके डांस के हिसाब से, हर तरीके से ये हर क्षण कोशिश करते हैं। नहीं तो मुझे याद है जब इनके साथ एक बच्चे थे तो मैंने एक फिल्म किया था दयावान, और वो बताशा चाचा, वो संजय पांडे जी उसमें विलन थे, मैं गेस्ट अपीयरेंस में आया था, मनोज टाइगर तिवारी जी ने। तो वहाँ पे मैंने जब इनको देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये कहाँ से एक्टर बन पाएगा, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना संवारा, इतना सजाया, और देखते देखते हुनरमंद निर्देशकों के हाथ में ये पढ़ते चले गए और आज ये इतना खिल के आ रहे हैं कि इनके साथ काम करना बड़ा प्राउड होता है कि मैं कल्लू के साथ काम कर रहा हूँ, और अच्छा लगता है। और इंडस्ट्री में बदलाव तो आती रहनी चाहिए, वक्त बदला है, संजय पांडे ओल्ड विलन बन गए, देव सिंह यंग विलन बन गए, अवधेश मिश्रा चरित्र रोल में चले गए, देव हटेंगे कोई और आ जाएगा, टाइगर की जगह मटरू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार किया है, रोहित सिंह मटरू बड़ा इन कॉमेडी में वो महारथी हासिल किए हुए, आनंद मोहन जी हैं। तो कल्लू में वो विशेषता मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे इसमें जो एक अभिनेता के रूप में जो सारे गुण अंदर समाते जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हमारे भोजपुरी के लिए, हम सब तमाम कलाकारों के लिए जो हम कलाकार हैं, हम हीरो के बाद की जो श्रेणी होती है ना, बड़े निरी होती है, उस निरी श्रेणी में हम भी आते हैं, संजय पांडे जी भी आते हैं, देव सिंह जी भी आते हैं। निरी बहुत सारे मायनों में होती है, लेकिन परफॉर्मेंस में हम लोग बाजी मार जाते हैं। संजय जी हमारे रॉन्ग बाबा मोशन पिक्चर है जिसके प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा सर, उन्होंने राज तिलक प्रोड्यूस किया है। बस मैं ये कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने प्रोड्यूसर के साथ काम करना या मैं कहीं पे साइन करके ये फिल्म बना रहा हूँ। ऐसा लगा कि जब हम लोग सुशील भैया के गांव पर शूटिंग कर रहे थे राज तिलक, और इतनी धूप थी 40+ डिग्री टेम्परेचर तक थी, उतनी धूप में सारे लोग कोई नहीं काम करेगा, लेकिन राज तिलक की जो टीम थी, जो एनर्जी लेवल था, हम सारे कलाकारों को शक्ति देती थी, और शक्ति का सारा श्रेय हम प्रदीप सर को देना चाहेंगे। एक फैमिली की तरह, एक बेटा की तरह इन्होंने ट्रीट किया, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं हीरो हूँ, बस एक ही बात बोलते थे तुम बाबा मोशन के हीरो नहीं हो, तुम बेटा हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर ने मुझ पर इतना भरोसा। मैं एक चीज़ क्षमा चाहता हूँ कि हमने एक शख्सियत का नाम नहीं लिया, सुशील सिंह जी, जिनका इस सिनेमा में जितना बड़ा योगदान है, इस सिनेमा की मेकिंग में उतना ही बड़ा योगदान है उनका। इसमें
पोस्टर पे दिख रहे होंगे सुशील जी, और मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था कि सुशील सिंह जी मेरा बेटा बने हैं, सुशील सिंह जी और कल्लू जी। तो सुशील जी ने एक बहुत ही अहम भूमिका इस फिल्म में निभाया है और बहुत शिद्दत से निभाया है, शायद उनके लिए भी एक बड़ी अविस्मरणीय फिल्म होगी। क्या बाबा, थोड़ा सा पोस्टर के बारे में बताया, आपका लुक भी बहुत डिफरेंट दिख रहा है, लाइक नहीं मैं तो भोजपुरी का ही हो जाऊं बहुत है, अब अभी तो भोजपुरी में मान्यता मिली है नहीं मिली है ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो ये सब श्रेय हमारे एक ही मित्र का जाता है, उसका नाम रजनीश मिश्रा है, जिन्होंने मेरे पे आज तक का सबसे ज़्यादा एज एन एक्टर यकीन किया है, और इनकी समझ से कहिए या नादानी से कहिए, इन्होंने जो भी फिल्में बनाई मेरे लिए बना दी है। उस जो भी मेहंदी लगा के रखना में पिता का किरदार सेहरा संजय जी के लिए बनी थी, उसमें ये मेरे छोटे भाई तो के वजह दर्शक है, दर्शकों को जिस तरह की फिल्म चाहिए उस तरह की फिल्म अब लोग बनाना बंद कर रहे हैं। राजतिलक जैसी फिल्म आएगी तो दर्शक को थोड़ा झटका तो लगेगा, क्योंकि उनको वही चोलिया और उसी समय वो घुसे रहे हैं, उनको आज भी सिंगर हीरो ही चाहिए। क्यों चाहिए सिंगर हीरो? परफॉर्मेंस वाली फिल्म क्यों नहीं देखते जैसे हिंदी इंडस्ट्री में चलती है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में। दर्शक ही दोषी हैं, वो सिनेमा घर में जाकर के शर्ट उतार करके गर्मी में वो गाने पे सिक्के उछालते हैं। बड़ी संवेदनशील फिल्मों में भी ऐसे गाने मजबूरी में डाले जाते हैं जो दर्शकों की पसंद का, ये मेरी समझ से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज सिनेमा की जो दशा और दिशा सिनेमा घरों में है, यूट्यूब पे वो लोग क्यों देखते हैं फिल्म, सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं? पैसा खर्चा करेंगे तो वो जैसे गाँव में नाच देखने जाते हैं तो नाच पर खूब पैसा लुटाते हैं, वैसे सिनेमाघरों में वैसी फिल्मों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वैसे गानों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो दोषी सिर्फ और सिर्फ दर्शक हैं, सिनेमा बनाने वाले भी हैं, लेकिन सिनेमा बनाएंगे तो कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से करेंगे क्या, उनको वो करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, दर्शक ही दोषी हैं, वो अच्छी फिल्मों को जिस दिन सिनेमा घर में जाके देखने लगेंगे सिनेमा घरों की हालत भी सुधरेगी, सिनेमा मालिकों का विचार भी बदलेगा, और हमारे जो कलाकार लोग हैं उनकी अपनी सोच, मेकरों की सोच सब बदलेगी, और रजनीश मिश्रा जैसे निर्देशक अपने आप को पूरी तरह से फैला सकते हैं कि हम हैं जो सिनेमा बनाते हैं। ऐसे मेकर, प्रदीप शर्मा जैसे मेकर जो सिनेमा को एक नई दिशा देना चाहते हैं, नेशनल अवार्ड तक तो पहुंचा दिया लेकिन वो फिल्म थिएटर में सक्सेस नहीं हुई। रीजन यही है कि उसमें बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी मेकिंग के साथ, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ फिल्म आई थी तो दर्शकों ने नहीं सराहा, उसमें खेसारी जी भी हीरो थे। तो रीजन केवल दर्शक है, दर्शक को खेसारी जी का वही चोलिया कमरिया और एल्बम, गाने के नाम पे एल्बम, हमारे बगल में जो सिंगर हीरो है ये भी वैसे ही हिट हुए हैं एल्बम बचपन लगा देना चुलिया के हुक राजा जी। क्षमा चाहता हूँ मेरे कल्लू जी से भी कि दर्शक यही सब चाहते हैं तो क्या करेगी हमारी, हम चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा बनाए, हम एक संवेदनशील कलाकार हैं, हमें लगता है कि सिनेमा अच्छा रुख हो, लेकिन दर्शक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राजतिलक अगर एक्सेप्ट हुआ तो मान लूंगा कि दर्शक में भी बदलाव आया है, जैसे मेकरों में बदलाव आया, कलाकारों में बदलाव आया है, ये मेरी सोच है, हो सकता है सही हो। ये समझा नहीं है शब्द क्या है, चक्की पुरानी चक्की होती है उसको तेल पानी लगा के चलाया जाता है, पुरानी चक्की तो नहीं है। मैं भी सवाल को समझ नहीं पाया। अभिनय जो है थोड़ा कम ज्यादा अभिनय चल रहा है, देखिए कोई भी बच्चा होता है पेट से सीख के तो आता नहीं, लेकिन कैसे बाबा ने बोला कि अगर आप में बहुत सारा टैलेंट है, आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन आपको वैसी फिल्म ना मिली, तो ये मेरी किस्मत कही जाएगी कि मैं वैसा फिल्म नहीं कर सका। और उम्र का भी एक बात होती है, अगर बचपन में ही मैं सलमान खान बन जाऊँ तो हर बच्चे पैदा होते हैं सलमान खान बनने, एक एज होती है, एक मैच्योरिटी होती है, और अभी मेरा एज हुआ है कि मैं ऐसा फिल्म, मुझे अब ऐसी कंसेप्ट मिल रही है,
और आपने बोला, मैं आपकी बातों को सम्मान करता हूँ, कोशिश करूँगा कि और अच्छा अभिनय करूँ। और राज तिलक देखने जाएंगे लोग तो मुझे पूरा उम्मीद है, वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं मानता हूँ क्योंकि कलाकार हर रोज सीखते हैं, लेकिन राज तिलक जब आप लोग देखने जाएंगे तो आप लोगों को लगे कि नहीं अब मैं कुछ अच्छा। देखिए ठीक है, मैं मान लिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं वैसे गाने बनाता हूँ, लेकिन जैसे मीडिया से भी जुड़े बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भजन बनाते हैं, हम लोग देवी गीत गाते हैं, सावन के गीत गाते हैं, आप लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, आप लोग बस एक ही लाइन लिखते हैं कि कलू ने गाया अश्लील गाने। और रही बात अश्लील गाने हम लोग गाते हैं, अगर दर्शक ना सुने तो हम लोग गाना बंद कर देंगे। तो रही बात ठीक है, हम अपनी मानते हैं कि मैंने अगर गलतियाँ की हैं, मैंने बचपन में जाने अनजाने कुछ गीत गा दिए, लेकिन फिल्मों में अभी हम लोग फिल्म की बात कर रहे हैं, एल्बम की होगी तो उस दिन एल्बम का एक अलग पार्टी रखेंगे, फिल्म में कभी भी अश्लीलता नहीं रही, चाहे वो राज तिलक हो या इसके पहले रजनीश सर ने बनाया मेहंदी लगा कर रखना, चाहे मैंने बनाया आवारा बलम, चाहे जो भी फिल्म, फिल्मों में कभी अश्लीलता नहीं रही। फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है जो कि सेंसर पास करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि बाकी फिल्मों की नहीं लेकिन इस फिल्म की बोलूँगा कि राज तिलक एक बेहद ही पारिवारिक फिल्म है, आप लोग पूरे परिवार के साथ इसे जाके देख सकते हैं, और ये फिल्म देखने के बाद आप लोगों को प्राउड होगा कि नहीं भोजपुरी में कोई फिल्म आई है जो है राज तिलक जो अच्छी फिल्म। संजय जी, भोजपुरी में तकरीबन 13 करोड़ दर्शक, जबकि साउथ में एक स्पेशल 4.5 करोड़ दर्शक, वहाँ 100 करोड़ बनती है वो कवर कर लेते हैं, लेकिन आपकी भाषा में 1 करोड़ की फिल्म बनती है वो भी कवर नहीं कर पाती, वजह तो 1 करोड़ से ज़्यादा मैंने लाया है जो भी हो, लेकिन ये कि हमारे उसमें मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं पता, मतलब तो एक ऑडियंस है जो एक तबका है जो सिनेमा हॉल तक नहीं जाता है हमारा सर, वो तबका अभी नहीं छिटका है हमसे, अभी तो हमने जो शुरुआत हुई 2004 से ससुराल से तो अच्छी फिल्में ही बनी है, आई थिंक एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो लोग भोजपुरी को लेकर, एक परिवेश का भी असर, और अभी जो दौर है मुझे लगता है अभी जो फिल्में बन रही हैं वो उन दर्शकों को ध्यान में रख के बन रही, लेकिन उनके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है भोजपुरी को लेकर, उस चक्कर में अच्छी फिल्में भी मानी जा रही हैं। जो अवधेश जी ने बात कही मैं उससे सहमत हूँ कि हाँ आप देखिए तो हम आपको सब दे रहे हैं, अगर आपने खराब देखा तो अच्छा भी तो देख लो एक बार, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आदत बदलने की, गलती हमें देखिए तो सुधारेंगे भी, हमें अगर आपने चोरी पकड़ा है तो सर हम आपको आरती भी दे रहे हैं, हम आपको अच्छी चीजें भी दिखा रहे हैं, और रास्ते में उसी कोशिश की एक बहुत बड़ी शुरुआत मुझे लगता है, तो ऑडियंस आएगी क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस है, अगर ऑडियंस नहीं होती तो यूट्यूब पे भी नहीं होती, दर्शक तो है ये कोई नहीं कह सकता कि भोजपुरी में दर्शक नहीं है, वरना इतने करोड़ हमारी दर्शक नहीं जाते, अब वो दर्शक बढ़ गए, कुछ YouTube में चले गए, कुछ चैनल में देख रहे हैं, कुछ सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, कोशिश है कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो, और राज तिलक उसी दिशा में मुझे लगता है एक सफल कोशिश है। आपको कब कब लगता है, कब कब ऐसा लगता है कि आपने ईमानदार कोशिश की, आपकी पैटर्न जी ने ईमानदार कोशिश की, अच्छी फिल्म बनाई, नाम से बताए मुझे, और दर्शकों ने उसे नकार दिया, आपने मेहंदी बनाई लोगों ने बहुत पसंद किया, आप बताए जरा कौन कौन सी फिल्म, मेरी फिल्म नहीं है सबकी बात करो, मेरी फिल्म नहीं है, अलग अलग निर्देशकों की बहुत सारी फिल्में, जैसे कल्लू जी ने की आवारा बलम, बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी चंदन उपाध्याय ने, और सहरा बांध के रखा ये भी एक बहुत अलग फिल्म बनाई थी, उसमें कहीं से कोई वैसा वल्गर है वो नहीं था, एक तीन भाइयों की कहानी थी और बड़ी खूबसूरत कहानी थी, और अवधेश जी की लाइफ में मेरी उसमें भी ऐसी बहुत फिल्में हैं, मैंने एक फिल्म की थी महेश पांडे डायरेक्टर थे उसके, रानी चली ससुराल, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं था, नहीं चली हॉल में, सपूत बनाई उन्होंने खेसारी जी और मनमोहन तिवारी के, नहीं चली हॉल, डमरू एक बहुत डमरू का देख लिए क्या हाल हुआ, डमरू इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई थी प्रदीप जी ने, रजनीश जी ने एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया था, सर ढेर ऐसी फिल्में हैं, मुझे बात कही ऑडियंस को आदत पड़ी है कि ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही उस चीज को, थोड़ा समय लगेगा, पूरा परिवर्तन होने में झटके से नहीं होगा। चलिए हम आते हैं वापस राज तिलक की तरफ, और नहीं 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 आप प्रभु आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है। ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हो रही है बिहार और झारखंड में,
यूपी में भी और यूपी में भी पंजाब में और पंजाब में भी मुंबई में भी बॉम्बे में हर जगह 12 जुलाई तो हर जगह हमारी फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हो रही है। राजदीप जी आपने हीरो को बताया नहीं कि कहां कहां पे रिलीज हो रही है कहां नहीं रिलीज हो रही है इन्हें ही नहीं पता है तो दर्शकों को क्या बताएंगे। उनका काम था अच्छी एक्टिंग करना जो उन्होंने किया और एक्टर का काम होता है इधर से निकले उधर घुस गए। अब उस फिल्म का क्या होगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही सोचता है। तो हम लोगों ने उसके बाद का ध्यान रखा एक डेट फिक्स की और इनको बताया और इनकी आज एक फिल्म भी रिलीज हुई है फिर भी इसीलिए आए हैं कि प्रमोशन हो सके तो इनका काम अब शुरू हुआ फिर से। नहीं आप लोग है ना प्रमोशन के लिए क्यों जाएंगे आपसे बड़ा प्रमोशन सबसे पहला तो यही है जो आप लोग आए ये सबसे बड़ा प्रमोशन। मैं आप सबसे कहूंगा अनीता रावत जी हमारी सिनेमा को से ही इंट्रोड्यूस हुई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ये डांस इंडिया डांस की बड़ी अच्छी डांसर फाइनलिस्ट में से थी और इनसे आप क्वेश्चन करें कि इनका ये पहला भोजपुरी का अनुभव कैसा रहा। अकेले की सोच है जो प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी मुझे मिले वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए कुछ अलग किया जाए और उसमें कुछ साथी ऐसे मिल जाते हैं जैसे पदम भैया हैं अवधेश मिश्रा जी हैं। इन लोगों ने उस सोच को जो मेरी एक ख्याल था कि कुछ हमारे यहाँ जो वर्चस्व की एक लड़ाई होती है जिसमें हर आदमी कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूँ चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हो या कोई वहाँ का जमींदार हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो तो उन लोगों की ये अंदर ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर है कि अपने वर्चस्व की लड़ाई और वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के और अंग्रेजी की एक फिल्म जिसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ था गॉडफादर तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल हमारे परिवेश की बात है जो हमारे यहाँ होता है और उसी से ये राज तिलक का पूरा मैंने ताना बाना बुना और अब उसको बना करके आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। कैसे ये हुआ नहीं एक्चुअली कहानियों पे हम एट वंस कन्विंस नहीं होते हैं और प्रदीप जी की ऐसी बात है कि प्रदीप जी मेरे से कई कहानियां सुनते हैं और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो सुना देता हूं वो फाइनल ही हो जाता है उसके बाद पदम भैया बैठते हैं कभी कभी अनीता मैडम बैठती हैं अवधेश जी होते हैं और भी हमारे ग्रुप के काफ़ी लोग एक साथ बैठ करके कई कहानियों के ऊपर सोचते हैं विचार करते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि इसको बनाया जाए और मैं खासकर इस बात को लेकर के धन्यवाद दूंगा प्रदीप जी का कि इसके पहले उन्होंने डमरू बनाई और डमरू बनाते हुए मैंने उनको बोला था कि सर ये सब सब्जेक्ट क्योंकि मैं डायरेक्टर से पहले 100 फिल्मों का कम से कम म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ और भोजपुरी के इस दौर में चाहे वो निरहुआ रिक्शा वाला हो निरहुआ हिंदुस्तानी हो पटना से पाकिस्तान हो इन सारी फिल्मों का गाना मैंने बनाया तो 100 फिल्मों सुपर हिट फिल्मों उसमें से कम 15 से 20 फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं उनका म्यूजिक डायरेक्टर मुझे पता है कि क्या चीज़ें हमारे दर्शक देखना पसंद करती हैं। मैंने प्रदीप जी को बताया कि सर आप ठीक है भगवान भोलेनाथ के प्रेम में ये सिनेमा बनाने के लिए मुझे कह रहे हैं कि आप डमरू बनाइए भोलेनाथ के ऊपर कोई सिनेमा बनाइए पर हमारा जो दर्शक वर्ग है जो लोग भगवान की भक्ति को समझने वाले लोग हैं शायद वो सिनेमा हॉल तक नहीं आएंगे और जब उसका रिजल्ट आया तो बिल्कुल वही आया जो मैंने बोल रखा था। इसके बावजूद प्रदीप जी ने कहा कि नहीं मुझे बनानी है ठीक है आंधियां चल रही हैं एक दूसरे किस्म की पर इसमें एक नई बयार भी बहाने की कोशिश किया जाए एक नई ताज़ी हवा भी चलाने की कोशिश किया जाए हो सके लोगों को उसकी सुगंध थोड़ी थोड़ी पसंद आए। और आज जब वो फिल्म नेशनल अवार्ड तक पहुंची तो बहुत ही खुशी हुआ। उसी का अगला क्रम है जहाँ पे मेरी फुल लिबर्टी ने काम किया है और मैंने अपने ढंग की एक सिनेमा बनाई है जैसे मैंने मेहंदी बनाया था मैंने जैसे सेहरा बांध के आऊंगा बनाया था बिल्कुल वैसे ही सिनेमा मैंने बनाया है राज तिलक और राज तिलक देखने वाले दर्शकों को जो भी देखेंगे उसको इससे नहीं नापने की जरूरत है कि उसमें कल्लू हीरो हैं या खेसारी जी हैं या दिनेश जी हैं या पवन जी हैं एक सार्थक फिल्म है एक सार्थक प्रयास है
और उसके बेसिकली अगर मैं बोलूं तो उसके हीरो हैं हमारे अवधेश मिश्रा जी, संजय पांडे जी, सुशील सिंह जी, कल्लू जी, पदम सिंह जी, यानी कि मैंने जो कैरेक्टर उस फिल्म में लिया है वो सारे के सारे हीरो हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये रियलाइज होगा कि इसमें कोई एक पार्टिकुलर हीरो नहीं है, इसमें जितने कैरेक्टर लिए गए हैं वो सारे के सारे हीरो हैं। आप पदम जी, बेसिकली जब आप अच्छे एक्टर हैं, एस्टैब्लिश हैं, तो आपको कोक मिलता है या फिर फिल्म बनाई जाए, नहीं पता आपने पहले फिल्म बनाई जाती, बट प्रदीप बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रदीप भैया जो हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, हम लोग सबसे पहले 1/13/7 में जुड़े थे। 1/13/7 उन्होंने बनाई और वहाँ से ऐसा तारतम्य बन गया हमारा कि उसके बाद हम प्रदीप भैया ने कहा कि चलो हम लोग अलग से फिल्में बनाते हैं, तो प्रदीप भैया के मार्गदर्शन से हम लोग बनाना शुरू किए, क्योंकि प्रदीप भैया की सोच जो है अलग किस्म की थी। वो फिल्म बनाना चाहते थे, फिल्म के साथ समाज को भी ध्यान में रखते हुए बनाना चाहते थे। उन्होंने जो डमरू जो फिल्म बनाई, आस्था के ऊपर फिल्म बनाई और भोजपुरी के ट्रेंड को बदलने की कोशिश की, भोजपुरी के दर्शक को खींचने की कोशिश की। कहते हैं कि महिलाएं भोजपुरी फिल्म देखने नहीं जाती हैं, इसलिए उन्होंने इस सोच को डेवलप किया कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे घर की महिलाएं, परिवार का पूरा हिस्सा एक साथ बैठकर ऐसी फिल्मों को देखें। और ये एक ऐसी फिल्म है डमरू जिसमें संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे रजनीश जी ने ऐसा प्यारा संगीत दिया है, भक्ति भाव से, कि जो भी व्यक्ति देखेगा, हम उससे निराश नहीं हुए हैं। जनता ने हमको निराश किया है, ऑडियंस ने हमको निराश किया है, लेकिन हम उस फिल्म से निराश नहीं है। तो उसकी जो भी कमियां थी उन सारी कमियों को दूर करके हमने ये राजतिलक बनाया। आपके बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन और आपने नरेंद्र मोदी को तो राजतिलक लगवा दिया, तो ये राजतिलक क्या भोजपुरी दर्शकों को राजतिलक लगाएगी? निश्चित तौर पर लगाएगी। जैसा कि अभी भाई साहब ने एक सवाल किया था कल्लू को लेकर कि कल्लू को पुरानी चक्की होती है उसमें तेल वेल लगा के उसको दोस्त बनाया जाता है, लेकिन राजतिलक इस बात को प्रूफ कर देगी कल्लू को कि कल्लू भविष्य है इस भोजपुरी फिल्म का। उसने इतनी इतने दूर का फिल्म की है, अभूतपूर्व क्षमता है उनके, और उनकी उस क्षमता को निकालने का श्रेय जो जाता है, छेनी और हथौड़ी जो है गुरु के हाथ में होती है तो मूर्ति बन जाती है। ऐसा ही काम रजनीश जी ने किया है और उसका प्लेटफॉर्म जो बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, प्रदीप जी ने पिक्चर सुनी, कई पिक्चरें सुनते हैं वो, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको करना क्या है, और उसके बाद उन्होंने राजतिलक में जो कमियां दमरू में रह गई हैं उसने राजतिलक में पूरी करने की कोशिश की है और अपने ऑडियंस को खींचने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर ये ऐसी एक फिल्म है राजतिलक कि जो जैसे मोदी का राजतिलक होता है, इसमें भी निश्चित तौर पर सबका राजतिलक होगा। ये बुराई से बुराई को मारकर अच्छाई की तरफ जाने वाली पिक्चर है और ये निश्चित तौर पर सबको आकर्षित करेगी और हर परिवार की एक कहानी है। कहीं ना कहीं अगर हम उस परिवेश में जाते हैं तो हमको अपने ही परिवार की वो कहानी नजर आएगी। कैरेक्टर उसमें सब है, परिवार के हिस्सा है, सब हीरो उस पिक्चर, और उसमें जो एक्शन किया है हीरालाल जी ने, कमाल का एक्शन किया है, उसमें दिखता है कि उसने उन्होंने अपना सबसे अच्छा 100% देने की कोशिश की। हीरा यादव ने बहुत अच्छा है। रजनीश जी, आपने पिछले जो तीनों फिल्में की वो खेसारी लाल यादव के साथ जी, आपकी बेहतरीन ट्यूनिंग है खेसारी लाल यादव के साथ, कल्लू के साथ आप पहली फिल्म की जी, और कैसा था एक तरफ तो मुश्किल था कल्लू को, आप जो बातें कहते थे क्या कल्लू से आसानी से समझ जाते, बिल्कुल डायरेक्टर और एक्टर के बीच की जो ट्यूनिंग है वो कैसी थी? ये बहुत ही आनंद जी, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है और ये बताते हुए मुझे एक तरह से गर्व भी हो रहा है इस बात को कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ पिलर्स हैं एक्टिंग में, उसमें से एक नाम अवधेश मिश्रा, दूसरा नाम सुशील सिंह, तीसरा नाम संजय पांडे, गोपाल राय भैया हमारे हैं, देव सिंह, पदम भैया, ऐसी हस्तियों के बीच में, ऐसे गुणी कलाकारों के बीच में कल्लू जी ने काम शुरू किया। और होता क्या है अमूमन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जो भी इसमें कलाकार आता है, हीरो होता है, वो पहले से ही गायकी के फील्ड में स्टार होता है और
वो ये समझ नहीं पाता है कि इन जिन कलाकारों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके सामने एक्टिंग के मामले में हमारी हैसियत क्या है। जी। और जब एक्टिंग करता है तो सीखता कम है, सिखाने ज्यादा लगता है। मैंने जो देखा है, मैंने कल्लू को पहली बार ही, जैसे पहला दिन था, मैं बोला कि देखो मैं ऐसा कुछ भी विशेष नहीं करवाता हूँ और खुद भी म्यूजिक डायरेक्शन से आया हुआ आदमी हूँ, न पहले कोई ज्ञान लिया है डायरेक्शन का और न ही किसी को असिस्ट किया है कि ये सारी चीजें पता है, पर मैंने सिर्फ जाना है, सीखा है इन्हीं लोगों से, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, सुशील सिंह, गोपाल राय, किरण यादव, ये लोग किताब हैं। इनको अगर देख लिए, इनको अगर समझ लिए और इनकी जो एक्टिंग है उसका रिएक्शन दे दिए आप, तो आप एक कुशल अभिनेता हो। कल्लू ने वही किया और जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि चल रही है इनकी गाड़ी, मैं इस फिल्म को करने के बाद जो एक्टिंग का पार्ट कल्लू ने किया है, चूंकि आप सब प्रतिदिन नई फिल्मों की विवेचना कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका क्रिटिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग को हक है बोलने का, पर इस फिल्म में जो इन्होंने काम किया है वो देखने के बाद आप लोग की धारणा चेंज होगी और आप लोग ये बोलेंगे कि कल्लू एक परिपक्व अभिनेता बनने की ओर अग्रसर है। दोनों अनीता ही है। पहले तो तहे दिल से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलिए थोड़ा। पहले तो सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए। हम लोगों का राष्ट्रल का पहला प्रमोशन है सर, और बहुत खुशी हो रही है आप लोग सामने है। और जहाँ तक रही, सर ने बोला कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आपने ट्रेलर देखा होगा इसलिए शायद आपने बोला होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है हमारी को प्रोड्यूसर है अनीता राव। अनीता जी, आपके साथ तीन पोएट्स आते हैं, सुशील सिंह जी थे, संजय पांडे जी थे, अवधेश मिश्रा जी, तो तीनों में कौन बेहतरीन है सर? पहले तो मैं ये बता दूं कि राष्ट्रलोक मेरी पहली फिल्म है। पहले तो राष्ट्रलोक मेरी पहली फिल्म है और जहाँ पे मुझे धुरंधर आर्टिस्ट मिले हैं साथ में, को आर्टिस्ट जितने भी मेरे थे वो बहुत बड़ा नाम है उनका, अवधेश जी हैं, सुशील जी हैं, संजय जी हैं, पदम भैया हैं, हमारे डायरेक्टर हैं रजनीश सर, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस पहले होता है कि मैं न्यू आई थी और मेरी पहली फिल्म है तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन उस सेट पे जाने के बाद कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये हमारे एक्टर हैं, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जब दो प्रोड्यूसर मेरे साथ थे तो एक फैमिली वाला जो माहौल था वहाँ पे, वो सब लोगों ने साथ में मिलके, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी एक फैमिली की तरह, हम ये नहीं बोल सकते कि हम कोई फिल्म बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग घर पे हैं और कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और रही कौन अच्छा बेहतर एक्टर, स्विमिंग करते थे हाँ, ये आपका क्वेश्चन था कि कौन बेहतर एक्टर है, तो अवधेश जी के लिए मैं कुछ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज अगर उनके पास कोई डायलॉग भी, संजय पांडे जी इधर ही बैठे हुए हैं, उनके लिए वर्ड्स हैं, उनके लिए नहीं है। अवधेश जी के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बिकॉज जब वो एक्टिंग करते हैं अगर उनको कोई लाइन भी ना दो तो वो अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं, और एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी काबिलियत होती है कि वो अपने आंखों से एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आई थिंक हम सब लोग उन लोगों से, उनसे सीखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं, उनका हर एक किरदार, मैंने उनके साथ अभी नहीं तो कम से कम 7 फिल्में करी हैं, और उनका हर एक किरदार बहुत ही अलग होता है, वो अपने आप को उस चीज़ में ऐसे ढाल लेते हैं कि वो तो आप खैर पर्दों में पूरा अपना लेते हैं। जी, रही संजय जी की बात, तो उनसे भी मैं पहली बार ही सीन भी नहीं था फिल्म में, आप अपने रोल के बारे में आपसे संतुष्ट हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में नहीं तो फिल्म में 80% या 70% मेरा कैरेक्टर है, और रजनी सर ने बहुत विश्वास किया, थैंक यू सो मच सर, और मैं अपने कैरेक्टर को लेके थोड़ा सा नर्वस थी, बिकॉज मैंने रजनी सर से डिस्कस भी किया था, पर आई
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रजनीश सर के डायरेक्शन में मैंने जो काम किया है, रजनीश सर एक ऐसे डायरेक्टर है कि वो एक्टर को निखारना जानते हैं, वो एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि फिर आपके अंदर डर नहीं रहता, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं आपको करना है. और थैंक्स टू रजनीश सर की वो कॉन्फिडेंस सर ने मेरे अंदर जगाया और मैं अपने कैरेक्टर को लेके बहुत खुश हूँ. मेरी पहली फिल्म है जो 12 जुलाई को रिलीज हो रही है. मुझे तो सभी मेहनत करने वाले लगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेहनत नहीं कर रहा था, सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और किसी को भी कम. सबसे ज्यादा मेहनत वाली बात बताइए आप, डिप्लोमेटिक मत बताइए आप, बोलिए. एक चीज बोलना चाहूंगी, बिकॉज प्रदीप सर सेट पे 2-3 दिन के बाद आए थे और एक को प्रोड्यूसर होने के बावजूद वो हमेशा सेट पे आती थी इतनी कड़ी धूप में, 40 डिग्री टेम्परेचर में वो बेचारी बैठी रहती थी, हम लोगों को देखती थी और जब पैकअप होता तो हमारे साथ जाती थी. इनकी खासकर इस बहुत अच्छी पहलू ने बताया कि लगभग 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था वहाँ पे. और कुछ दिन मैं इनको देखा कि ये धूप में आकर के बिल्कुल इनको आदत नहीं है मुंबई एयर कंडीशन कमरे में रहने वाली, पर इनको फिल्म मेकिंग से इतना प्यार है, इतना लगाव है कि उस टेम्परेचर में जहां हम लोग ग्लूकोज पी करके रहते थे या आ करके खड़ी हो जाती थी, मैं बोला करता था कि आपका क्या काम है, आप जाओ होटल में रेस्ट करो, उतनी गर्मी में क्यों हो आप. तो नहीं भैया हमको रहने दीजिए, हम अब देखेंगे. कभी कभी रात को 1 बजे तक शूटिंग चलती थी और मैं इनको बोलता था 11 बजे से कि आप चले जाओ, हम लोग का लेट नाइट होगा, पर ये रुकी रहती थी. तो जिस फैमिली में इतना डिवोशन है, डेडिकेशन है फिल्म के प्रति कि अच्छी फिल्में बनाए हम लोग और फिल्म की मेकिंग को खुद ये लोग एंजॉय करते हैं, और प्रदीप सर और अनीता मैडम की सुपुत्री हैं स्वाति शर्मा जी, जो खुद ही बहुत बड़ी सिंगर हैं और बिल्कुल इंडिया फेम है उनका, तो यकीन होता है इस बात का कि सर आप ही घर में ऐसी बेटी पैदा हो सकती है जहाँ पे इतना फिल्म के प्रति लोगों के दिल. थैंक यू सर. ये है कि एक कॉन्सेप्ट दिमाग में चलता रहता है कि अब जैसे डमरू लोगों ने क्यों नहीं पसंद की, उसमें हमारा भी ये था कि हमने कुछ ज़्यादा ही दर्शकों को सीधा साधा भोजन लगता है परोस दिया था. तो बात ये हुई कि इस बार जरा कमर्शियल भी करके देखें, लेकिन शर्त यही होती है कि हमारी फिल्म में ना कोई अश्लीलता होगी, ना उसकी भाषा में, ना उसकी शूटिंग में, ना गाने में. ये हम लोग ध्यान रखते हैं. तो राज तिलक के बारे में जब हमने ये डमरू हुआ तो सबको लग रहा था कि, मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि मैं हिंदी भी करता हूं, मराठी भी करता हूं, और मेरे को अवधेश मिश्रा जी ही इस इंडस्ट्री में लाए थे. तो मैंने उनसे उस दिन भी कहा था कि सर भोजपुरी में जाऊंगा लेकिन मेरे से वो सब चीज़ होगी नहीं सर जो चल रही है. उन्होंने कहा सर आपको जो करना है अच्छा करो, हम लोग आपके तरफ पूरी तरफ से साथ में. तो मैंने वो डमरू स्टार्ट किया और डमरू को पसंद किया और अच्छे से बनाया. दर्शक आए नहीं आए वो गलत, वो अलग बात है, लेकिन चैनल पे टीवी चैनल पर वो TRP में अभी भी नंबर 4 पर है, यूट्यूब पे और इसकी संतुष्टि है. इसके बाद कुछ टाइम बीता या साल भर बीत गया और नेशनल में हमने वैसे ही भेज दिया था तो वहाँ वो सेलेक्ट हो गए. तो ठीक है, मैंने अपना काम किया, अच्छा काम किया और प्रोत्साहन पब्लिक से नहीं मिला, मिला भी जिन्होंने मेरे को दिया, जो देखने गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पर जो नहीं जा पाए उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि राज तिलक, वो अगर मसालेदार ही देखना चाहते हैं तो राज तिलक देखें, लेकिन उसमें भी उनको एक संस्कार और एक बिहार यूपी की जो माटी की सुगंध है वही मिलेगी, न अश्लीलता मिलेगी और न कोई अदर वल्गरिटी मिलेगी. पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं आप इस फिल्म को देखने. तो हमने फिर इस तरह से राज तिलक के ऊपर काम करना शुरू किया, तरह तरह की स्टोरी हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और एक लाइन लिया कि एक घर का बड़ा बुजुर्ग यदि अपने घर के लिए कुछ कर सकता है तो पूरे गांव के लिए क्यों नहीं कर सकता, उसके सुख दुख में या उसके दुख दर्द को क्यों नहीं दूर कर सकता. तो उसके लिए हमने फिर इस फिल्म को पूरा डेवलप किया और जैसा कि रजनीश जी बता भी रहे थे कि गॉडफादर का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा था, तो हमने भोजपुरी में उसी टाइप का थोड़ा ताना बाना बुन के और पूरा पारिवारिक और संस्कार से युक्त फिल्म बनाई है. म्यूजिक और ये सिनेटोग्राफी जो आप बोलते हैं DOP, उनका काम भी बहुत तगड़ा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है और RR प्रिंस है DOP, और बाकी रजनीश जी का तो निर्देशन आप सब जानते हैं, पहले भी जानते हैं A1.
एक मौका दिया। और प्रदीप जी इतने अच्छे इंसान हैं, ये अपने पूरे सेट पे हर एक्टरों से लेकर टेक्नीशियंस का ध्यान रखते हैं। 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थी जब हम क्लाइमेक्स कर रहे थे मैं और कल्लू जी, और हम लोग लिटरली वोमिट कर रहे थे, कल्लू जी ने वोमिट किया। पर इनका प्यार और इन्होंने कितनी इज्जत दे रखी थी कि हम लोगों ने दिन भर काम किया, उसका फल आप सबको देखने को मिलेगा अपनी जल्दी नहीं सुनी। तो ये कहूँगा कि इनकी पूरी टीम ऐसी है, इतने सारे लोग इतने मिल के काम करते हैं, इतनी चीज हमारी ट्यूनिंग है, ये सब लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं काम के दरमियान। कल्लू जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है एक्टर। बाकी मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, काका हैं, मटरू जी हैं, सुबोध जी हैं, मदन भैया हैं, तो ये इन लोगों ने हमेशा मटरू जी भी हैं बोला सर मटरू जी मेरी हिम्मत है आपका नाम नहीं लूँ, ये सब साथ है बहुत अपना घर जैसा है। मैं चाहूँगा इनके साथ बड़ा कंफर्ट रहता हूँ, तो काम करके बड़ा मजा आता हूँ। खास करके रजनीश जी ने जिस हिसाब से फिल्में बनाई है, मेहंदी लगा कर रखना, सेहरा बांध करूँगा टेम्पल, और उसके बाद ये रात दिन चारों अलग जोन की फिल्म है, और ये फिल्म भी आप सबको बहुत पसंद आएगी, हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, तो प्लीज आप सब फिल्म जरूर देखिए। ऐसा है कि सबसे पहले तो रोहित सिंह मटरू उर्फ भोजपुरिया मौसा का सबको प्रणाम। क्यों हंस रहे हो भाई? मैं नया नाम पे हंस रहा हूँ। सब लोगों ने फिल्म के बारे में बता दिया, हमारे डायरेक्टर साहब रजनीश मिश्रा जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रदीप शर्मा जी, मैडम, हमारे जितने फिल्म के कलाकार हैं सबको तिलक लगा है, राज सिर्फ मैं भोगा उस फिल्म में, तो तब बना है राज तिलक। यूट्यूब पर आप लोग या जितने भी समाचार आप लोग जहां भी प्रसारित करेंगे तो उससे पोल खुल जाएगा पूरा फिल्म का। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फिल्म का कोई भी पार्ट सब लोग अभी पहले जाने, जब तक थिएटर में मटरू का मतलब है MATRU, पूरा इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ मटरू, मटरू, तो इसका नया वाला नाम एक और है, पूछ लीजिए नया वाला नाम। भोजपुरिया मौसा जो खाते हैं खाली समोसा, मौसी अभी पटना में है, मोटू पतलू का क्या होगा? आप समझती है ना हिंदी जी, थैंक यू। क्या अब तो ये है कहानी अपना, मैं सब लोगों को तिलक लगा, मैंने राज भोगा, तो राज तिलक। अब बाकी चीज देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा सारे दर्शकों को। सही, और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं जवाब दूं सर। देखिए हम इनोसेंट आदमी हैं, हाँ इनोसेंट, मैं आई एम इनोसेंट मैडम, मैं भी तो इन्होंने पास कर दिया, तो मैं इनोसेंट हूँ, जस्ट लाइक ए गुड बॉय। मैं तो चुपचाप मेरा कला, देखिए मेरा जो भी जितनी भी फिल्में मैंने की हैं रजनीश जी के साथ, अभी तक तो मस्ती हो रहा था, हम कन्हैया हैं, कन्हैया जी हैं, अच्छा डायरेक्टर साहब ने मुझे कन्हैया कह दिया, तो हमारा क्या काम ही है, दाल भात चोखा पापड़ दनौड़ी अचार के बाद एक चीज आता है जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है भोजन को, वो है चटनी। तो मैं तीखा और मीठा मिक्सचर चटनी हूँ, जब आपको मीठा खाने का मतलब मीठा समझ के चाट लीजिए, तीखा समझने का मतलब तीखा समझ के चाट लीजिए, लेकिन आपको स्वादिष्टता पूरी तरह से मिलेगा, वही इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है। हिंदी में भी पूछ सकते हैं आप? ओके ओके इनके लिए थोड़े मौसा है नहीं नहीं दिस इज माई निक नेम नॉट ए रियल नेम यू कॉल्ड समोसा नॉट मौसा अब उनको हम उनके बारे में हमको क्या मालूम हम अपने बारे में जानूंगा उनके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई काका बोलिए काका जी
भोजपुरिया काका अरुण सिंह के तरफ से आप मीडिया के माध्यम से नमस्कार बा प्रणाम बा हर हर महादेव बा बोलिए मैडम जी जो बैठे गोर की के लागे बहुत अच्छा कलाकार हमने के फिल्म में कल्लू के साथ एक सॉन्ग में यहाँ के बानी और बहुत अच्छा यहाँ के काम के लिए बनी फिल्म में और हम पहला बार यहाँ के मिलत दीवानी हम देखत दीवानी एक पहले को फिल्म में हम देख रहे हैं कि शायद यहाँ की पहला फिल्म है बाकी मटरू भाई जरे बहुत मजा वाला काम करके बगल में सुबोध सेठ भाई बड़े मटरू भाई जरे हम बहुत पहले गठबंधन प्यार के फिल्म रहिए गठबंधन प्यार प्यार के बाद राज तिलक पे नहीं जगह भाई हाँ। यानी गठबंधन प्यार के ओकरा बाद की राज तिलक बहुत अच्छा तिलक हमको नहीं लगा राज भोगे तिलक बाकी सारे टेक्नीशियन सारे एक्टरों को लगा मैं राज की राज हूं रजनीश मिश्र भैया डायरेक्टर वाली जे की हमने के आदरणीय आज चना बहुत पहले उनका था कि हम बहुत बड़ा जवानी जिया ने राजा जी और राजा भरने शान पूरा की मुझे खिले रहे तब से रजनीश भैया के हम बहुत मैंने हमारे फैन है अवधेश भैया के साथ काम करके सुशील भैया के साथ और संजय सिंह संजय पांडे भैया के साथ काम करके सीखे के मिले बाद हमने के हम उम्र में मटरू भाई सुबोध भाई और देव भाई के साथ भी बहुत मजा आई हमने के छोट भाई अरविंद अकेला कल्लू के क्रम में कुछ अलग आप सबके जरूर देखे के मिले और बहुत अच्छा लगा पूरा टीम के और सबसे बड़ा धन्यवाद जल चाप प्रदीप शर्मा जी के जो कि फिल्म के मालिक बने प्रोड्यूसर बने वहाँ के वाइफ नीता जी के बहुत बहुत धन्यवाद जो उनके हमने पूरा टीम के बहुत आशीर्वाद और प्यार देने और बड़ा अच्छा करके शूटिंग के लिए जी सर बताइए सर आपसे बताएंगे राज तिलक की बात हो रही है जी जी के बारे में इतना लोग बोल चुके सर अब मैं क्या बताऊं कुछ तो बोलिए और फिल्म रिलीज होने दीजिए आप लोग देखिएगा पहले क्या बताना सब कुछ तो बोल दीजिए लेकिन वो एक अच्छी बहुत अच्छी और पारिवारिक फिल्म है जिसे करने में बहुत मजा आया हम लोग पूरी टीम को बहुत मजा आया खासकर मुझे भी बहुत मजा आया और ये फिल्म आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है कोई अश्लील दृश्य नहीं है ना गाने हैं तो आप अपने पूरे परिवार के साथ जाके देख सकते हैं हाँ और एक फिल्म का मैं हिंट दे देता हूँ दर्शकों को हॉल से निकल मतलब थिएटर से निकलने के बाद उनको गद्दार कहा जाएगा अब यही तो रास्ता हाँ ये राज क्या है Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.